नमस्ते भैया। नमस्ते जी, कैसे हैं आप? बढ़िया भैया, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। आप कहाँ से हैं भैया और क्या बहुत करते खुश हैं? हूँ भैया। मैं हिमाचल प्रदेश से, मैं स्टूडेंट हूँ, बीकॉम सेकंड ईयर। बहुत बड़ा फैन हूँ मैं आपका। अच्छा, तो सर, मेरे आपसे वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बट हाँ, जो भी मेरे पास मेरे माइंड में क्वेश्चन आता था तो मैं उससे रिलेटेड वीडियोस देखता था, तो मैक्सिमम के आंसर्स मुझे मिल जाते थे। तो मेरे माइंड में एंड में एक ही क्वेश्चन बचा सर, जो बहुत ज़रूरी था। तो वो क्वेश्चन ये था सर कि जो रियल अंडरस्टैंडिंग है सर, वो क्या है और कैसे समझे चीज़ों को, और अंडरस्टैंडिंग के हाईएस्ट लेवल को कैसे अचीव करें? चीजों को एज इट इज देखो। अपना जो भी आपको लगता है उस सबसे फ्री हो जाओ। जो लगता है और जो है उन दोनों के बीच के फर्क को समझो। देखो, एक है आपका थॉट दैट ऑपरेट्स एट द लेवल ऑफ इमेजिनेशन। आप कुछ भी सोच सकते हो, जो चाहे वो सोच सकते हो। एक है रियलिटी, जो जैसा है वैसा आपको दिख रहा है। अगर उस तरीके से आप देख पा रहे हो तो दैट इज राइट अंडरस्टैंडिंग। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, सर हाँ बताइए। आपके अकॉर्डिंग स्मार्टेस्ट वे टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है? आप कुछ टाइम तक ऐसा काम करो जो काम करना आपको पसंद है, विच यू लव डूइंग, और उसके बाद आपको कोई काम करना ही ना पड़े। दैट इज कॉल्ड द स्मार्टेस्ट वे ऑफ अचीविंग फाइनेंशियल फ्रीडम। अगर पूरी जिंदगी आप काम कर रहे हो पैसे के लिए तो दैट इज नॉट अ स्मार्ट वे ऑफ लिविंग लाइफ। दैट इज लाइक वेस्टिंग योर लाइफ। सर एक और क्वेश्चन सर, अगर आप एक बिलियनियर बन सकते हैं तो आप बन क्यों नहीं जाते? बट क्यों बनना है बिलियनियर में? ऐसा क्या होता है आपको क्या लगता है? मतलब बिलियनियर बनना कोई बहुत बड़ी बात होती है? मतलब बहुत अच्छी बात होती है। वाई बिलियनियर? नहीं फिर सर, आपको इमेजेस बाजार की टेंशन भी नहीं रहेगी, एक ही बार में आप बहुत सारे पैसे कमा अच्छा, लो, फिर खर्च करते रहो। मुझे आज भी टेंशन नहीं है। आपको किसने कहा मुझे टेंशन है? मैंने कभी बोला कि मुझे टेंशन है? मेरी शक्ल पे कभी नजर आया कि मुझे कोई टेंशन है? नो सर। हाँ, फिर ये अपने आप ही अजम्पशंस बना रहे हो। बल्कि बिलेनियर बनने के चक्कर में मैं टेंशन पाल लूंगा। आई बात समझ में? जितना बड़ा काम करना होता है उसके लिए उतने ही ज्यादा लोग चाहिए होते हैं, उतने ही बड़े स्केल पे वो काम होता है और उतनी ही बड़े लेवल की टेंशन होती है। सर आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो तो मतलब एक वही दिक्कत थी ना, कि जैसे जिस लेवल से आप बात करते हो वीडियोस में, अपनी वीडियोस में, अगर हम 10 बार वीडियोस को देखते हैं तो 10वीं बार देख रहे हैं तो उसमें डीप और डीप जाते हैं और गहराई से समझ आता है। तो क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि हम उसको इजीली समझ पाए, या अंडरस्टैंडिंग के हम उस लेवल को कैसे अचीव करें कि जो बात सीधी सीधी आप बोल रहे हो हम भी उसे उसी तरह से देख पाए? तो उसके लिए आपकी और मेरी नज़र सेम होनी चाहिए ना। जी सपोजिंगली सर वही। आपने लाल या पीला चश्मा लगाया हुआ है और फिर आप दुनिया को देख रहे हो, तो आपके लिए या तो लाल है या पीली है। मेरा चश्मा देखो, इसमें कोई रंग नजर आ रहा है? क्लियर है, बिल्कुल नो क्लियर सर। चश्मा है, ना लाल है ना पीला है। मैं तो एज इट इज देखता हूँ चीज़ों को, एज इट इज देखता हूँ और बोल देता हूँ। तो उसके लिए आपको अपने चश्मा हटाना पड़ेगा, तो आपकी और मेरी नज़र सेम हो जाएगी। जैसे मैं इस दुनिया को देख रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही आपको ये दुनिया दिखने लग जाएगी। अब बात आती है चश्मा क्या है, कौन सा चश्मा है जो आपने लगाया हुआ है। जो भी आप बचपन से आज तक मानते हो, जो भी आपके दिमाग में भरा हुआ है, वही वो चश्मा है। जो भी मानते हो उसको छोड़ दो, एज इट इज देखो ना। ऐसे देखो कि किसी चीज को आप पहली बार देख रहे हो। किसी बर्डन के साथ मत देखो, किसी भी अथॉरिटी को अपने ऊपर हावी मत होने दो, चाहे वो कोई भी हो। वो अथॉरिटी कोई पर्सन हो सकता है, कोई बुक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो वो आपको एज इट इज देखने नहीं देगा, वो बीच में एक फिल्टर की तरह आ जाएगा। मतलब ये कहो ही मत कि मुझे पता है। जहां आपने कहा कि हाँ मुझे ये पता है, फिर आप देख रहे हो, फिर आप समझने की कोशिश कर रहे हो, कुछ नहीं समझ आएगा। बोलो कि मुझे नहीं पता है, अब मुझे देखना है। और जो मैं बोल रहा हूं उसको सिर्फ सुनना नहीं है, इंटेलेक्चुअली नहीं समझना है, लाइफ के हर एस्पेक्ट में प्रैक्टिकली देखना है। अपनी जो भी लाइफ है उसमें प्रैक्टिकली देखना है, प्रैक्टिकली चीजों को समझना है। सर अब लाइफ में आप एक लेवल तक आ चुके हैं, क्या अभी भी आप गलत डिसीजन लेते हैं? हाँ बिल्कुल लेता हूं, लेता रहूंगा गलत डिसीजंस। गलत और सही डिसीजंस क्या होते हैं? देखो बेसिकली अभी जो हम डिसीजंस लेते हैं वो तो सही सोच करके लेते हैं ना। कोई भी जानबूझ करके तो गलत डिसीजन लेगा नहीं। बट हम डिसीजन लेते कैसे हैं? हम लेते हैं अपने थॉट के बेस पे। और थॉट कैसे ऑपरेट करता है? जो हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है उसके बेस पे। तो कभी भी हमारे पास किसी भी सिचुएशन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती है, हो ही नहीं सकती। आप समझे? तो हम
जितनी इंफॉर्मेशन हमारे पास में है उसके बेस पे कोई डिसीजन लेते हैं तो वो कभी सही होता है कभी गलत होता है। लेकिन टाइम के साथ साथ अगर आप गलत डिसीजंस को भी देखोगे तो वो भी सही होते हैं क्योंकि वो हमें कुछ ना कुछ सिखा रहे होते हैं। तो अगर लाइफ का आपका सेंटर पॉइंट है पैसा कमाना, सिर्फ आपका दिन शुरू होता है पैसे से और खत्म होता है पैसे पे, तो आपके कुछ डिसीजंस अच्छे होंगे कुछ बुरे होंगे, कुछ सही होंगे कुछ गलत होंगे। लेकिन अगर आपका सेंटर पॉइंट है लाइफ का अंदर से ग्रो करते रहना, तब आपके सारे डिसीजन सही हैं। मनी सेकेंडरी, क्योंकि पैसा नुकसान भी हुआ तो हो सकता है आपको सीखने को ज्यादा मिला जितना कि पैसा जब फायदा हुआ उसमें मिला। आई मेरी बात समझ में? नहीं समझ आया ना, अंदर से ग्रो करने पे ज्यादा फोकस करना। अंदर से ग्रो करने का मतलब क्या हुआ फिर? अंदर से ग्रो करने का मतलब यही हुआ कि कॉन्स्टेंटली सीखते रहो, लाइफ में एक लर्निंग एटीट्यूड रखो, और कुछ भी सीखने के लिए पहले जो अंदर भरा होता है उसको खाली करना होता है। जो गिलास पहले से भरा हुआ है उसमें और आप क्या डालोगे? जो भी डालोगे वो बाहर निकल जाएगा, तो गिलास खाली होना चाहिए ना। तो आप कितना भी सीख चुके हो, आप और सीखने के लिए अगर तैयार हो, दैट मीन्स कि आप कॉन्स्टेंटली सीख रहे हो और कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहे हो। इसी को ग्रोथ बोलते हैं। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप सोच भी नहीं सकते मैं अभी इस वक्त आपसे कितना कुछ सीख रहा हूँ। आपको एक गलत फहमी हो रही है शायद कि आप मुझसे सीख रहे हो। मुझे नहीं पता आप मेरे से क्या सीख रहे हो, मुझे नहीं पता कि अभी आप मेरे को देख करके हंस रहे हो तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन मैं इस वक्त आपको देख करके आपके इन क्वेश्चन से बहुत कुछ सीख रहा हूँ ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में, कि लोग किस तरीके से सोचते हैं एक पर्टिकुलर एज में एक पर्टिकुलर जगह पर। जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो उसके पीछे क्या है, किस तरीके से आप देख रहे हो, तो मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है आपसे। सर हम कैसे क्या करें कि हम भी आपकी तरह सोच पाए, मतलब हमें भी एज इट इज क्वेश्चनिंग वगैरह वही करना पड़ेगा, मतलब हर चीज को क्वेश्चन करो, क्वेश्चन लगाना पड़ेगा जब तक कि आगे क्वेश्चन करने को कुछ बचे ही ना। देखो तब तक अगर क्वेश्चनिंग का एक एंड आ जाता है ना, आप एक लेवल तक ही क्वेश्चन कर सकते हो, उसके बियॉन्ड नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आप ये तो क्वेश्चन कर सकते हो कि भूत है या नहीं, आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते कि इस वक्त आप मेरे से बात कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। इस पे तो कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता ना, ये तो रियलिटी है। रियलिटी सिंपल होती है और जो बिलीव्स होते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। बिलीव्स में आदमी फंस जाता है, रियलिटी उसको फ्री कर देती है। जो है जो नहीं है, इन दोनों के फर्क को देखना और समझना ही अंडरस्टैंडिंग है, यही लर्निंग है। इन दोनों के बीच का फर्क लोगों को पता ही नहीं है। जो एक्चुअल में है ही नहीं उसको पूरी जिंदगी यही सोचते रहते हैं कि ये है, ऐसा है, वैसा है, वैसा है, और मुझे तो पता है ऐसा ही है। और अलग अलग लोग अलग अलग बातें मान रहे हैं, वहीं पे जी रहे हैं, वहीं पे मर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप जाकर के किसी भी 10 अलग अलग लोगों से जो अलग अलग रिलीजन के हैं उनसे जाकर के पूछो मरने के बाद क्या होता है, 10 अलग अलग जवाब आएंगे आपको। अब उसमें से कौन सही है कौन गलत है, और आप भी उन्हीं 10 में से एक हो। तो जिसकी मैं बात कर रहा हूं राइट अंडरस्टैंडिंग, वो क्या है? आई डोंट नो, लेट मी फाइंड आउट। क्या जीते जी ये पता किया जा सकता है कि मौत क्या होती है? नो सर। व्हाई आर यू सेइंग नो? नहीं, यही गड़बड़ होती है। देखो यही होता है, वी आर टू ईगर टू से यस और नो। अंडरस्टैंडिंग जो सही होती है ना, वहां पे यस नो नहीं आता है। हम बड़ी जल्दी एग्री कर जाते हैं या डिसएग्री कर जाते हैं, तो वहीं पर अंडरस्टैंडिंग का रोल खत्म हो जाता है, हम आगे नहीं बढ़ पाते। सही अंडरस्टैंडिंग तक पहुंचने के लिए ना यस बोला जाता है, ना नो बोला जाता है, ना एग्री किया जाता है, ना डिसएग्री किया जाता है, क्वेश्चन किया जाता है। सर एक क्वेश्चन था, जैसे कि मैंने आपकी वो स्पिरिचुअलिटी वाले चैनल है उसकी भी सारी वीडियोस देखी है, उसमें आपके माइंड में ये क्वेश्चन ही क्यों आया कि हु एम आई? ये क्वेश्चन मेरे माइंड में क्वेश्चन ही क्यों आया हु एम आई, क्योंकि इस क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं है जी। क्योंकि अगर आपने जो भी थोड़ी देर पहले कहा था कि भाई बिलियनियर क्यों नहीं बन जाते, मैं कहता हूँ मैं बिलियनियर भी बन गया, बिलियनियर छोड़ो मैं इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया, लेकिन अगर मुझे यही नहीं पता कि मैं कौन हूँ तो किस काम का है वो सब? ठीक है जी, आई थिंक इतना बहुत है आज के लिए। जो भी आपने क्वेश्चंस पूछे, हाँ, विश यू ऑल द बेस्ट।